रिसोर्सेज डिफाइंड होते हैं, फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ बायोटिक कम्युनिटी, ओके, प्रीडोमिनेंट ऑफ ट्रीज होते हैं, तो फॉरेस्ट मीन्स आउटसाइड, और इंडिया फॉरेस्ट कवर कितना है, 6,76,000 स्क्वायर किलोमीटर, ओके. सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट फॉरेस्ट, दस देयर आर फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, इट परफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बोथ टू ह्यूमन एंड टू नेचर, ओके. देयर आर हैबिटेट्स टू मिलियन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ. तो फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट बहुत एसेंशियल होते हैं. क्यों एसेंशियल होते हैं? क्योंकि इसमें इट परफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बोथ टू ह्यूमन एंड टू नेचर. ये इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? ह्यूमन एंड फंक्शन के लिए, ह्यूमन और नेचर के लिए. ये हैबिटेट होते हैं मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है. दे रिसाइकल करते हैं क्या, अपना रेन वाटर भी रिसाइकल करते हैं, और रिमूव करते हैं क्या, पल्यूटेंट को, कहाँ से, एयर से, और कंट्रोल करते हैं क्या, वाटर क्वालिटी, ओके. सो मॉडरेट टेम्परेचर एंड वेदर भी इसका फंक्शन है, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल कंडीशन और सॉइल इरोजन को. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, तो देयर आर कमर्शियल यूजेस एंड इकोलॉजिकल यूजेस. व्हेन वी टॉक अबाउट कमर्शियल यूजेस, ए कंसिस्ट ऑफ वुड का यूज़ करते हैं, जो यूज्ड एज अ होता है फ्यूल, ओके. तो जब भी हम सप्लाई करते हैं वुड फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए जब भी हम वुड अप्लाई करते हैं, तो ये रॉ मटेरियल्स के रियो फॉर्म में यूज़ होता है, एज पल्प, पेपर, फर्नीचर, टिम्बर एक्सेट्रा, ओके. जब भी हम माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो ये गम, डाइज और रेजिंस के लिए यूज़ होते हैं, ओके. सो मैनी प्लांट्स और मेडिसिंस भी इन्वॉल्व हैं इसमें, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में. फिर सप्लाई वेराइटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स भी करती हैं ये, ओके. इसमें हनी, आइवरी, हॉर्न्स एक्सेट्रा होती हैं, और मैनी फॉरेस्ट लैंड्स भी यूज़ होते हैं, जिसमें माइनिंग, ग्रेजिंग फॉर डैम्स एंड रिक्रिएशन होता है, ओके. जब भी हम इकोलॉजिकल यूजेस की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट प्रोवाइड नंबर ऑफ एनवायरमेंटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. इसमें सबसे पहला आता है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. जब भी हम ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एसेंशियल होती है लाइफ के लिए, ओके. रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है. इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय CO2 एमिशन रिड्यूस्ड हो जाती है. जब भी हम सॉइल कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड होते हैं सॉइल में टाइटली, और प्रिवेंट करते हैं क्या, सॉइल इरोजन, और दे ऑल्सो एक्ट एज करते हैं जब विंड ब्रेक हो जाती है. जब हम रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल करते हैं, सो वाटर शेड में वेरियस फॉरेस्ट एक्ट लाइक जॉइंट स्पॉन्जेस की तरह ट्रीट करते हैं, और स्लोली रिलीज करते हैं द वाटर फॉर रिचार्ज ऑफ स्प्रिंग. जब भी हम पॉल्यूशन मॉडरेटर्स की बात करते हैं, तो पॉल्यूशन मॉडरेटर्स वो होते हैं जो फॉरेस्ट में होते हैं. फॉरेस्ट के एब्जॉर्ब क्या करते हैं, मैनी टॉक्सिक गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसमें नॉइजेस होती है एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन को ये प्रिवेंट करते हैं. जब भी हम वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट होम केस के लिए होता है मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, ठीक है. फिर जब हम डेफिशिएंसी ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो 33% ऑफ टोटल एरिया डेफिशिएंसी में प्रोवाइड होता है, और 12% इसका फॉरेस्ट कवर हुआ है. जब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाती है डिमांड फॉर मेडिसिन, और ये मेडिसिन की डिमांड इंक्रीज़ होने पर उसके शेल्टर, वुड और फ्यूल में यूज़ होते हैं. हैंस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट मटेरियल टेक्स प्लेस होता है. जब हम कॉजेज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, तो इसमें आता है इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आता है इसमें इंक्रीज में, फिर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी आती है, और इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वुड रिसोर्सेज भी आती हैं. तो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये हमेशा आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं. ये मेन कॉज हैं किसके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की. कौन कौन से, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, और इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वुड रिसोर्सेज. जब भी हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, तो ये ऐसा प्रोसेस है जो रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ड्यू टू नेचुरल और मैनमेड एक्टिविटीज़ के लिए काम आता है, ओके. और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए काम आता है. तो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन का क्या है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं. डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कॉज करते हैं डिफॉरेस्टेशन थ्रू टू वेज, थ्रू सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया. इसमें एग्जाम्पल बिग डैम्स आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आता है, और रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा आता है. जब भी हम माइनिंग ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो ये रिड्यूसेस करते हैं फॉरेस्ट एरियाज की, और इसमें आता है माइका, कोल, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन, ठीक है. जब भी हम रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो इसमें वुड एज क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर वेरियस पर्पसेस.
फिर एग्जांपल मेकिंग बॉक्सेस फर्नीचर एंड पेपर एक्सेट्रा। ओके, जब हम फ्यूल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वुड इज़ द इम्पॉर्टेंट फ्यूल फॉर रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। ओके, अब नाउ सेकंड पॉइंट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जब भी हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं तो इसमें रिप्लेसमेंट होता है नेचुरल फॉरेस्ट सिस्टम का फॉर मोनो स्पेसिफिक ट्री प्लांटेशन के लिए। ठीक है, इसका एग्जांपल आता है क्या, टीक। जब भी हम फॉरेस्ट फायर्स की बात करते हैं तो फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रक्ट करती हैं थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, और ओवरग्रेजिंग भी प्रोवाइड बाय कैटल रिड्यूसेस द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, और इससे कल्टीवेशन ऑफ लैंड भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि इसमें इकोनॉमिक लॉस होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्ट द हैबिटेट स्टेट्स ऑफ वेरियस स्पीशीज करती हैं ये। ठीक है, रिडक्शन इन स्ट्रीम फ्लो भी करती हैं ये, फिर इंक्रीजेस करती हैं रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग भी करती हैं, डिस्ट्रप्शन ऑफ वेदर पैटर्न्स एंड ग्लोबल क्लाइमेट भी करती हैं, और डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड एक्सीलेशन ऑफ द रेट ऑफ सॉइल इरोजन, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी फॉरेस्ट में लाइफ में। ओके, जब भी हम इंड्यूसेस और एक्सीलेट्स मास मूवमेंट लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं तो ये होता है। जब इंक्रीज करते हैं फ्लड फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड और सीवियरिटी की बात करते हैं तब भी हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं। हम वाटर साइकिल को ब्रेक करते हैं और न्यूट्रन साइकिल को भी ब्रेक करते हैं। जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स की अप्लाइड करते हैं और मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें न्यू प्लांट्स ऑफ मोर और लेस ऑफ द सेम वेराइटी प्रोड्यूस होते हैं जो कि शुड प्लांटेड करते हैं टू रिप्लेस द ट्रीज और कट डाउन फॉर द टिम्बर। ओके, फिर यूज़ ऑफ वुड फॉर फ्यूल शुड बी डिस्करेज्ड होता है इसमें। फॉरेस्ट पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग एक्टिविटीज़। ओके, बाय यूजिंग एरोप्लेन्स। ओके, नाउ द फॉरेस्ट फायर मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय मॉडर्न टेक्निक्स। सो ओवरग्रेजिंग बाय कैटल भी कंट्रोल हो जाती है, और स्टेप शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डिस्करेज द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन टू द आईलैंड फ्रॉम द मेनलैंड। ओके, नाउ जो एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम मस्ट बी कंडक्टेड में, और स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑन लॉ ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट होता है। सो डिफॉरेस्टेशन इन द हिमालयन रीजन इन्वॉल्व्स क्लियरिंग ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। ओके, और प्लांटेशन ऑफ मोनोकल्चर लाइक यूकेलिप्टस। सो न्यूट्रिएंट जो होता है वो सॉइल में क्या होता है, पुअर होता है। देयरफॉर सॉइल लूजिंग देयर फर्टिलिटी, अपनी फर्टिलिटी यूज़ कर देती है, और इस कारण से फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने से आपकी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज और प्लांटेशन से इसको अफेक्ट पड़ता है। हेंस हिमालयन एरिया फेसिंग द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन। ओके, नाउ वी कम टू द डैम्स। सो डैम्स भी बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, 45,000 करीब लार्ज डैम्स हैं जो कि प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिटीज ऑफ इकोनॉमिक और वाटर रिसोर्स को हार्नेश करते हैं। ओके, जब भी हम इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो करंट एस्टिमेट सजेस्ट होता है 30-40% ऑफ इरीगेटेड लैंड वर्ल्ड वाइड रिलाइज ऑन डैम्स। ओके, सो हाइड्रो पावर अनदर इम्पॉर्टेंट स्टोर्ड पावर करंटली सप्लाइज 90% ऑफ द वर्ल्ड टोटल इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। ठीक है, सो द वर्ल्ड मोस्ट टू पॉपुलस कंट्रीज चाइना एंड इंडिया हैव बिल्ट अराउंड 57% ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम्स। ओके, नाउ वी टॉक ऑन इफेक्ट्स ऑन डैम्स ऑन फॉरेस्ट। सो देयर आर थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट विल बी क्लियर्ड। सो किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ भी क्लियर हो जाती है इससे, और स्प्रेडिंग ऑफ वाटर बॉर्नी डिसीजेज भी होती हैं इससे बहुत सारी। सो वाटर लॉगिंग इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल करता है। सो इसका एग्जाम्पल है जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है ना, जो सबमर्ज्ड हुआ है 3.5 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट में, लाख हेक्टेयर, तो ये होता है इसमें डेजर्ट होता है। तो इफेक्ट्स ऑन ड्रेम ऑफ ट्राइबल पीपल। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड कल्चर चेंज अफेक्ट्स द ट्राइबल पीपल बहुत मेंटली एंड फिजिकली अफेक्ट करती है। ये एकोमोडेट नहीं करते हैं मॉडर्न फूड हैबिटेट्स और लाइफस्टाइल को, और इसमें ट्राइबल पीपल आर इलिटरेटेड बाय होते हैं मॉडर्न सोसाइटी से। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके डैम्स में और पीपल्स में यूज़ होते हैं। ओके, थैंक यू।